हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव की डॉक्टर वायरस। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज पढ़ते हैं हम इसका सेकंड भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक और भयंकर प्राणी, क्या नर्क का कोई दरवाजा खुला रह गया है? और ये जो कोई भी हो, इसने इस बेहोश प्राणी को खत्म कर दिया, पर क्यों? अब ये घृणित आकृति वापस दरवाजे की तरफ बढ़ रही है। गोडक के रास्ते से हट जा छोकरे। गोडक नाम तो पट्टे पर फिट बैठ रहा है, पर मैं इसको जाने नहीं दे सकता, वरना फिर मुझे इस षड्यंत्र की जड़ तक कौन पहुंचाएगा? ध्रुव की बनी मुट्ठी गोडक की तरफ लपकी और ध्रुव को अपना हाथ किसी मोटे गद्दे में धंसता हुआ महसूस हुआ। तो तू गोडक का लड़ना चाहता है लड़के? ले, मैं तेरी इच्छा पूरी किए देता हूं। ध्रुव की चकित आंखों के सामने गोडक के हाथ ने रबड़ बैंड की तरह लंबा होकर ध्रुव के शरीर को अपनी कुंडली में कैद कर लिया और एक ही झटके से ध्रुव का शरीर लट्टू की तरह घूमता हुआ दरवाजे के बाहर जा गिरा। साय, यह तो उस लाल राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक जीव लग रहा है। मुझे तो लगता है कि इससे पहले मैं इसके जरिए इसके बॉस तक पहुंचूं और यह मुझे अपने जरिए भगवान तक पहुंचा देगा। इधर एक जिंदगी और मौत का संघर्ष चल रहा था, धड़ाक, और दूसरी तरफ डॉक्टर वायरस भी लेबोरेटरी में अठास गूंज रहा था। हा, बन गया, मैंने वर्गिस वाले वीटा वायरस को अपनी ही लैब में डेवलप कर लिया। अब मेरा बनाया वायरस इससे कहीं अधिक असरदार है। अब मुझे रोकने वाला दूर दूर तक कोई नहीं। हा 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 हा। परंतु डॉक्टर वायरस को रोकने वाला दूर नहीं बल्कि बहुत पास में था, और वह था पृथ्वी पर मौजूद हर तरह के पेड़ पौधों का राजा वन पुत्र, जो काफी देर से डॉक्टर वायरस की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। कमाल है, ऐसा वृक्ष तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आखिर ये किस प्रजाति का वृक्ष है? शायद मेरे प्रश्न का उत्तर यह वृक्ष ही मुझे दे दे। वन पुत्र ने तने पर अपने हाथ को एक खास तरीके से रगड़ा और पेड़ में एक संदेश प्रेषित होने लगा। लेकिन वन पुत्र यह नहीं जानता था कि इन पेड़ों को प्रकृति ने नहीं बल्कि वीटा वायरस ने उगाया है, और वे उसकी भाषा नहीं समझ रहे थे। वन पुत्र के संदेश देते ही वृक्ष पशु के अंदर फिट ऑटोमेटिक अटैक सिस्टम चालू हो गया और वृक्ष की शाखा रूपी भावों ने वन पुत्र को जकड़ लिया और डेंजर सिग्नल लेबोरेटरी के अंदर तक पहुंचने लगे। अरे, ये तो खतरे के सिग्नल है, यानी किसी ने मेरे पेड़ों के साथ छेड़छाड़ की है। और बाहर, वाह वाह, मेरा ऑटोमेटिक अटैक सिस्टम बिल्कुल सटीक काम कर रहा है, इसकी तो टेस्टिंग हो गई। अब मैं इस वीटा वायरस को टेस्टिंग एक इंसान पर करना चाहता था, और शैतान ने एक ग्राहक को खुद ब खुद मेरे पास भेज दिया। वन पुत की फैली आंखों के सामने एक चमकती हुई सुई उसके शरीर की तरफ बढ़ रही थी और वह असहाय था। और इसी दौरान एक भीषण संघर्ष और भी जोर पकड़ रहा था। तब इस कोडक के गद्देदार शरीर पर तो मेरे जोरदार वारों का भी कोई असर नहीं हो रहा, और ये एक घूंसे में ही मुझे पूरे ब्रह्मांड के दर्शन दे रहा है। रेडियोथेरेपी कक्ष, यहाँ पर रोगियों की इलाज रेडियो विकिरणों द्वारा की जाती है। यह कोडक ने मुझे किसी वायरस का शिकार लग रहा है, यानी विकिरणों के द्वारा अगर इसके शरीर के वायरस को नष्ट कर दिया जाए तो ये अपने असली रूप में आ जाएगा, और तब इस पर काबू पाना एक मामूली बात होगी। ध्रुव के अचानक और ताबड़तोड़ हमले से कोडक भौचक्का रह गया, धड़ाक, और ध्रुव को ठीक जगह पर पटकने का मौका मिल गया। शिकंजा कस गए और कोडक का शरीर मशीन के अंदर जा घुसा। मशीन के चालू होते ही अदृश्य विकिरणों ने कोडक के शरीर को बरसने लगी और कोडक का शरीर फड़फड़ाने लगा। रेडियो विकिरणों का असर हो रहा था, और तभी तड़पते कोडक का हाथ रबड़ की तरह स्विच पर लंबा हो गया और मशीन को पावर पहुंचने वाले बिजली के तार को नीचे आ गिरे। मशीन के एक झटके के साथ रुक गई। अगले ही पल कोडक का गद्देदार शरीर दबकर बंधनों को बाहर फिसल आया। कोडक ने अपना
भागने का इरादा बदल दिया था। छनाक तड़ाक। अब उसका पूरा ध्यान ध्रुव को अपने रास्ते से हटाने में लग गया था और ध्रुव उसके अमानवीय शिकंजे से असहाय था। उसका मस्तिष्क धीरे धीरे अंधेरे के गर्त में गिरने लगा। जिंदगी और मौत में सिर्फ एक सांस की दूरी रह गई थी कि तभी अस्पताल के बगल में बह रही नहर में एक तेज हलचल में कोड़क का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कुछ समझ पाने से ही कोड़क ने अपने जिलजिले शरीर को हवा में उड़ते हुए पाया। नहर से निकला हुआ अजीबोगरीब बर्फ मानव कम से कम कोड़क का दोस्त तो नहीं था। कोड़क खुद भी इस बर्फ मानव को एक एक आ जाने से चकित था, पर इस वक्त वह किसी से भी लड़ने को तैयार था। लेकिन उसको बर्फ मानव की शक्तियों के कतई अंदाजा नहीं था। अब मानिए फुर्ती से बर्फ मानव ने कोड़क को दोनों हाथों को पकड़ लिया और कोड़क के पूरे शरीर में एक तेज ठंडी लहर दौड़ गई। उसका पूरा बदन पलक झपकते ही सर्द हो गया। अपनी सारी शक्ति उसको खत्म होती महसूस हुई। कुछ ही पलों में कोड़क अपने होशोहवास खो चुका था और ध्रुव के होश वापस आ रहे थे। ध्रुव ने बर्फ मानव को अपनी तरफ मुड़ते हुए देखा और तभी शोर होने लगा। अस्पताल की तरफ से भागते हुए कई लोग घटनास्थल की तरफ आ रहे थे। बर्फ मानव पल भर के लिए ठिठका, छपा और फिर उसने नहर में छलांग लगा दी। एक और अजीबोगरीब प्राणी, ये आखिर था क्या, कोड़क का दुश्मन या फिर मेरा दुश्मन? बर्फ मानव किसका आदमी था यह तो किसी को मालूम नहीं था, पर कोड़क की मदद के लिए डॉक्टर वायरस को एक और आदमी अस्पताल के बाहर मौजूद था और इस अफरा तफरी में किसी ने भी उसका अस्पताल से बाहर आते नहीं देखा। उस आदमी की मंजिल थी नेशनल फॉरेस्ट के छोर पर बनी डॉक्टर वायरस की प्रयोगशाला, जहां पर वनपुत्र एक भयानक खतरे को सामना कर रहा था। एक सुई वनपुत्र की तरफ बढ़ रही थी और वनपुत्र को आभास हो रहा था कि यह सुई बंदूक से भी अधिक खतरनाक है। अपनी पूरी जंगली शक्ति का इस्तेमाल किया और उसका एक पैर वृक्ष पशु के सिंगजे से आजाद हो गया। अगले ही पल डॉक्टर वायरस पर एक भरपूर लाता पड़ी। धड़ाक, इंजेक्शन के टुकड़े टुकड़े हो गए। डॉक्टर वायरस क्रोध से पागल हो उठा। ठहरो, बोली मत चलाना, इसके टुकड़े टुकड़े तो मेरा पालतू वृक्ष पशु करेगा। इसी बहाने इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। वृक्ष पशु अटैक। आदेश मिलते ही वृक्ष पशु के शाखा रूपी हाथ वनपुत्र के शरीर को दो विपरीत दिशाओं में खींचने लगे। वृक्ष पशु की शक्ति के सामने वनपुत्र की ताकत मामूली थी, परंतु इससे पहले कि वनपुत्र के शरीर को वृक्ष पशु चीर डालता, वनपुत्र के मुंह से एक अजीब सी चीख निकली और अगले ही पल डॉक्टर वायरस को अपनी जिंदगी का सबसे आश्चर्यजनक दृश्य देखा। वनपुत्र की एक ही पुकार पर जंगल के छोर पर लगा यूकेलिप्टस का एक पेड़ तेजी से नीचे झुका और उसकी शाखाओं ने वृक्ष पशु के तने को कसकर पकड़ लिया। एक झटके से वृक्ष पशु की जड़ें जमीन से बाहर हो गईं। वनपुत्र वृक्ष पशु के चुंगल से बचकर दूर जा गिरा, पर इसके बाद भी यूकेलिप्टस की शाखाओं ने वृक्ष पशु के शरीर को नहीं छोड़ा और वृक्ष पशु को अपनी असीमित ताकत दिखाने का मौका मिल गया। पर आचार्य चकित होने की बारी वनपुत्र की थी। वृक्ष पशु आजाद हो गया। जड़े जमीन से बाहर आ जाने के बावजूद भी वृक्ष पशु खड़ा हुआ था और वह वनपुत्र के टुकड़े करने के आदेश को भूला नहीं था। एक खूनी संघर्ष अभी बाकी था। इसके विपरीत राजनगर अस्पताल में फिलहाल शांति थी। तुम्हारा ख्याल एकदम सही था ध्रुव, इसके शरीर में एक अजीब सा जीवाणु मौजूद है जो कोड़ के जीवाणु से मिलता जुलता है। इसकी यह हालत उसी जीवाणु के कारण हुई है। एक और जीवाणु पर शिकार, अब मुझे याद आ रहा है डॉक्टर, उन बैंक लुटेरों में से एक लुटेरे ने ट्रांसमीटर पर अपने बॉस को डॉक्टर वायरस के नाम से संबोधित किया था। उस समय मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि इन प्राणियों के बॉस का नाम डॉक्टर वायरस ही हो सकता है। पर सवाल तो यह है कि उस तक पहुंचा कैसे जाए। ये गोल कांटा मुझको कोड़क के पैर में धंसा हुआ मिला था, अगर इससे कोई सूत्र निकल सके तो।
ये एक जंगली पेड़ का काटा है और राजनगर के पास सिर्फ एक ही जंगल है, नेशनल फॉरेस्ट। मुझे मेरे सवालों का जवाब वहीं से मिलेगा। पर नेशनल फॉरेस्ट के में कोडक के हार की खबर ध्रुव से काफ़ी पहले ही मिल चुकी थी। बर्फ माना और उसने कोडक पर हमला किया। अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो ये सिर्फ एक ही, पर डॉक्टर वायरस की बात मुँह के मुँह में ही रह गई क्योंकि इसी पर लेबोरेटरी का एक हिस्सा धराशीय हो गया। धड़ाक, वृक्ष पशु ने एक और पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया था। वनपुत्र इस शक्तिशाली दुश्मन के लिए अपना लड़ाई का तरीका बदलने को मजबूर हो गया। उसने जमीन को थपथपाया और जमीन में लगे असंख्य घासों के तिनकों ने अपनी जड़ों को जमीन के अंदर और गहराई तक बढ़ा दिया और अपनी जकड़ को मजबूत हो जाने के बाद घास के तिनकों को अपने आकार को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया और वृक्ष पशु के शरीर पर चारों तरफ से घासें आ लिपटी। वृक्ष पशु का हर अंग अलग अलग दिशाओं में खिंचने लगा और उसी पल एक गाड़ी तेजी से बाहर शहर की तरफ बढ़ी। जल्दी चलो शकुरा, अगर ये बर्फ मानव वही है तो मैं समझ रहा हूं तो सबसे पहले हमको उसे रोकने का इंतजाम करना होगा। ओह, वह दुष्ट भाग रहा है, उसने मेरे दोस्त पेड़ों को एक विकृत रूप बनाकर इनको बदनाम करने की कोशिश की है। मैं इस दुष्ट को बगैर सबक सिखाए नहीं छोड़ूंगा। वनपुत्र चीते की सी गति से गाड़ी के पीछे लपका। वृक्ष पशु और घासों के बीच लड़ाई का अंत देख पाने का समय अब उसके पास नहीं था, लेकिन इस लड़ाई को देखने के लिए एक दूसरा दर्शक घटनास्थल की तरफ बढ़ रहा था। नेशनल फॉरेस्ट एकदम शांत और सुनसान स्थान है। डॉक्टर वायरस को अपने अड्डे के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। अगला मोड़ मुड़ते ही ध्रुव के सारे ख्याल सही साबित हो गए। यह रही एक नई इमारत, देखने में तो एक अत्याधुनिक लेबोरेटरी लग रही है, पर यह टूट कैसे गई? जमीन पर एक कार के आने और जाने के निशान बने हुए हैं और इन निशानों के साथ साथ एक जोड़ी पैरों के भी निशान भी हैं। कोई नंगे पैर गाड़ी के पीछे भागता हो गया है, पर कौन? तभी एक धमाके के साथ ध्रुव का विचारधारा को भंग कर दिया। लेबोरेटरी का एक हिस्सा और ध्वस्त हो गया था। ध्रुव तेजी से लेबोरेटरी के पीछे इस विनाश का कारण जानने के लिए लपका और उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं। उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत लड़ाई चल रही थी। वृक्ष पशु ने अपनी एक जड़ को लंबा किया और उसके सहारे उसका पूरा शरीर लट्टू की तरह नाचने लगा। वृक्ष पशु का शरीर चारों तरफ से खींचती घासें तेजी से तने पर लिपटने लगी, उसकी जड़ों पर जोर पड़ने लगा। कुछ ही पलों में लड़ाई का फैसला हो गया। कुछ घास के तिनके जड़ से उखड़ गए और जो कमजोर थे वे टूट गए। वृक्ष पशु कुछ देर तक भ्रमित सा खड़ा रहा, फिर वह अपने स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आदेश देने वाला वहां पर कोई नहीं था। सिर्फ डॉक्टर वायरस की जेब में रखे ट्रांसमीटर से सिग्नल वृक्ष पशु के कंप्यूटर रिसीवर तक पहुंच रहे थे। वृक्ष पशु सिग्नलों का पीछा करते हुए राजनगर की तरफ बढ़ चला। यह तो मुझे नहीं मालूम कि यह क्या चीज है, पर मैं इतना जरूर समझ रहा हूं कि यह अगर राजनगर पहुंच गया तो फिर राजनगर की खैर नहीं। ध्रुव वृक्ष पशु की तरफ लपका। तो गाइस, ये थी डॉक्टर वायरस कॉमिक्स का सेकेंड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे। गाइस, अगर आपको कॉमिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी मिलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट में। थैंक यू।